जय श्री राम भक्तों, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। जैसे गुरुदेव कथा कर रहे हैं प्यारे भक्तों, और जो गुरुदेव को फॉलो करते हैं, जो उनको चाहते हैं, उनको प्रेम करते हैं, वही इस वीडियो को वही देखें। और इस वीडियो में पांचों महाराज जी के बारे में बताएंगे, जो बागेश्वर धाम श्री अनुरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, प्रदीप मिश्रा जी, प्रेमानंद महाराज जी, इन सभी के बारे में ये वीडियो है। और फोटो के माध्यम से पांचों महाराजों के दर्शन करे जाएंगे। जैसे बागेश्वर धाम सरकार गणेश चतुर्थी पर आपने दर्शन किया गुरुदेव का, और उनके वगैरह गणेश पति पप्पा के पूजन हो रहा था, जो पूजन में गुरुदेव का दर्शन हुआ और हमारे गणपति पप्पा का भी। जैसे बागेश्वर धाम सरकार की मुस्कुराहट, वस्त्र तिलक लगाने का और वस्त्र पहनने का, लकड़ी की पादों का मिलने का, हर कार्य करने का उनका सबसे हटकर है तरीका। ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं। ऐसे ऐलान करने वाले जो जब ऐलान करते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि ये कहीं नहीं डरते। जिनके गुरु वलीबान उनके चेला पहलवान। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात और मेहनत में लगे हुए हैं गुरुदेव। बहुत दूर दूर कथाएं कर रहे हैं, और कथा जहां भी बुलावा आए बालाजी की कृपा से गुरुदेव चाहते हैं, कथा करते हैं। और अपने पैसे जो भी होते हैं, अपने धर्म अपनी बेटियों के लिए जोड़ रहे हैं। अभी विवाह नहीं हुआ गुरुदेव का, फिर भी जो अनाथ बेटियाँ होती हैं जिनके माता पिता नहीं होते, उनका विवाह के लिए गुरुदेव जा जाकर कथा करते हैं, और अपना पैसों से सहयोग कर कर उन बेटियों का विवाह संपन्न कराते हैं। यहाँ तक कि अन्य कार्य भी हैं जो बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश गढ़ा गांव में होते हैं, पुण्य के काम। अन्न पूर्णिमा भी अन्य रसोई चलती है, और जो प्रेत बाधा वाले होते हैं उनकी भी बालाजी अपना संकट हरते हैं। मनोज तिवारी जी जो भोजपुरी के एक्ट्रेस हैं, जो मूवी कर चुके हैं, गाने गा चुके हैं, सिंगर्स भी हैं, और इन्होंने कई मूवियों में अपनी मूवी भी बनाई है इन्होंने, तो आपको दिख जाएंगी। तो ये भी अपने गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और जब भी ये अपने बागेश्वर धाम पे आते हैं, बिना गाए ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल भी, गाकर मनोरंजन बहुत अच्छे से प्रसन्न करके गुरु को तब जाते हैं, और अच्छा गाते हैं, इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुर है। बात करें श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव की, जी हाँ, इनकी वाणी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, इनके काम को, इनके कार्यों को देखकर। और इनके भजनों में इतनी मिठास है, इतने पावन भजन गाते हैं ये, कि हर कोई इनका दीवाना ही हो जाता है। घर घर इनके भजन कीर्तन होता है, इनके भजन गाए जाते हैं। जो एक भजन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और चला था बहुत ज़्यादा, और अब भी चल रहा है, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तू मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बहुत ही सुंदर भजन था ये, आरती है हमारे ठाकुर जी की, जो बहुत प्रिय लगती है सभी भक्तों को, बहुत ही सुर में गाते हैं। और बात करें देवकीनंदन ठाकुर जी गुरुदेव की, जी हाँ, बहुत पहले बहुत पुराने कथावाचक हैं, और काफ़ी करोड़ों भक्त इनसे जुड़े हुए हैं आस्था पर। इनकी काफ़ी समय से कथा आती हैं, और ये बहुत कट्टर हिंदू सनातनी है, हमारे धर्म का जो विरोध करते हैं अगर इनसे भिड़ जाएं तो उनकी ठटरे अच्छे से वार देते हैं। इनसे कोई बहस नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज़ में उत्तर देने के क्षमता रखते हैं, हर जवाब देने की क्षमता रखते हैं,
और जो गलत का वो होता है तो उसका तो हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इनको क्रोध आ जाता है। जो बेटियों पर अत्याचार होते हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं ये, और बेटियों को भी समझाते हैं, बहुत बड़ी हमें सीख देते हैं ये, बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी वैसे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी मीठी कथा करते हैं और बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। इनकी प्यारी सी फैमिली भी है, जो दो पुत्र एक पुत्र है, बेटी है और पत्नी है, माता भी है, पूरा परिवार है ठाकुर जी की कृपा से। वो वृंदावन के रहने वाले हैं। और बात करें यहाँ प्रदीप मिश्रा गुरुदेव की, जो शिवपुरी में रहते हैं और अपने शिवपुराण की कथा से के माध्यम से जाने जाते हैं, और इनकी कथाएं भी अपनी आस्था पर आती हैं, जो आस्था चैनल पे करोड़ों परिवार सुनता है रोज़ाना। और कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, सच्चे हृदय से अगर महादेव को तुम निर्जला खाली जल भी चढ़ा रहे हो नियम से, महादेव उसी में बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्त की हमेशा कृपा करते हैं और अपने भक्त को हमेशा प्रेम करते हैं। महादेव जी की ये दर्शन देखकर बहुत ही अद्भुत लग रहा है और बहुत ही पावन दर्शन हुआ है महादेव जी का। तो अगर आप देख रहे हैं महादेव जी का अभिषेक किया प्रदीप मिश्रा जी ने, जो पंचमृत से अभिषेक हो रहा है और बहुत ही प्रेम भाव से अभिषेक कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी का, और देख रहे हैं आप। बात करें प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव की, जी हाँ, जो वृंदावन में रहते हैं और श्री राधा 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 नाम सभी के मन में बस चुका है वृंदावन में, जो हर गली हर मोड़ पर श्री राधा रानी के नाम का उच्चार करते हैं, सभी पक्षी और बांदर हर कड़ कड़ में राधा नाम की गूंज है, और हर प्रेम यानी कि वृंदावन श्री राधा रानी की प्रेम भूमि है। जो भी उसमें वृंदावन में जाता है वृंदावन के ही हो जाता है, और बाकी बिहारी जी की इस प्रकार कृपा हो जाती है कि वो वृंदावन के सिवा कहीं का होना नहीं चाहता, और बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसती है बाकी बिहारी जी की। और इस कृपा को देखकर हर कोई वृंदावन जाने को सोचता है, और बहुत ही विशेष कृपा होती है बिहारी जी की उन पर। और अगर आप वृंदावन गए हो तो ज़रूर आपके राधा रानी की कृपा का महसूस हुआ होगा, और नहीं गए हो तो आप राधा रानी सरकार से यही प्रार्थना है कि आप जाएं और ज़रूर आप दर्शन होए। और वृंदावन जाओगे तो प्रेमानंद महाराज जी से आपको दर्शन होगा, प्रेमानंद महाराज जी का उनसे मुलाकात होगी, और बहुत ही अच्छा दर्शन होता है। बहुत परम सौभाग्यशाली हैं भक्त जो प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद ले चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, क्योंकि ऐसे परम गुरु मिलना बहुत सौ नसीब वालों की और सौभाग्य वालों की बात है। और इतना ही नहीं, जब भजन की साधन भजन होता है, कीर्तन होती है, तो नेत्र में उनके आंसू भर आते हैं और बहुत ही प्रेम भाव से उनका श्रृंगार को निहारते हैं, लाडली जी की सेवा करते हैं। तो अगर पांचों महाराजियों के आप फैन हो, चाहने वाले हो, तो प्यार पर एक कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से रोज़ाना दर्शन करा सकें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। श्री हरि वंश, श्री राधा वल्लभ, जय श्री राधे राधे।